दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है मिलाप गुप्ता और आप मुझे देख रहे हैं मेरे YouTube चैनल MG Edutainment पर। दोस्तों आज का ये वीडियो स्पेशली मैंने बनाया है उन बच्चों के लिए जिन बच्चों ने अभी एडमिशन लिया है NIOS 10th एंड 12th क्लास के, वो स्टूडेंट बन चुके हैं और उनके एग्ज़ाम जो होने हैं वो होने हैं 2022 अप्रैल के अंदर। जी हाँ, यानी कि अप्रैल मंथ में उनके फाइनल एग्ज़ाम होंगे 2022, यानी कि अगले साल। तो मैं यहाँ पर कुछ चीज़ें क्लियर कर देता हूँ कि इस वीडियो में आप क्या क्या जानने वाले हैं। आपको पता चलेगा आपका एडमिशन अप्रैल 2022 में हुआ है, कैसे आपको पता लगेगा कि आप स्टूडेंट हैं, अप्रैल 2022 एग्ज़ाम देंगे, एग्ज़ाम फीस आपको सबमिट करनी है, कब करनी है, आपके TMA असाइनमेंट्स कहाँ से आपको मिलते हैं, कितने उसमें क्वेश्चन होते हैं, फाइल कैसे बनती है, कहाँ पे वो जमा होती है, कौन सी लास्ट डेट होती है जिसमें आपको वो जमा करना होता है TMA, ये सारी बातें मैं आपको बताऊंगा इसी वीडियो के अंदर, राइट। उसके बाद हम बात करेंगे कि आपके TMA के बाद आपके प्रैक्टिकल्स होते हैं, तो प्रैक्टिकल्स कब होते हैं इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा, एंड फाइनल एग्जाम्स आपके कब होने वाले हैं और किस तरह से उसकी फीस जमा होती है, तो ये सारी डिटेल मैं आपको इसी वीडियो में बताने वाला हूँ। वीडियो में बने रहिएगा, आपको पूरी वीडियो देखनी है, करियर आपका है, मेहनत मैं कर रहा हूँ, मैं चाहता हूँ कि आप एक ही बार में पास हों और मैं ये गारंटी देता हूँ कि अगर आपने ये वीडियो पूरी देखी तो पूरे साल आप निश्चिंत होकर आराम से रहिएगा। आपको सारी इन्फॉर्मेशन आपके मोबाइल फ़ोन पे मिलती रहेगी, बस आपको चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, वीडियो लाइक कर देना अगर अच्छी लगे तो, राइट। और सबसे बड़ी बात है बेल आइकन बटन को ज़रूर दबा देना ताकि आपको नोटिफिकेशन आपके मोबाइल फ़ोन पर मिलती रहे। चलो आप शुरू करते हैं वीडियो। NIOS के स्टूडेंट बन चुके हैं आप 10th क्लास के और 12th क्लास के, अगर आपने एडमिशन 2021 और 22 सेशन में लिया है तो। अब इसकी पहचान कैसे करेंगे कि आपने एडमिशन लिया है, 15 मार्च 2021 के बाद अगर आपका एडमिशन हुआ है, चाहे आपने एडमिशन साइबर कैफे से किया हो, चाहे आपने एडमिशन खुद से किया हो, क्योंकि स्टूडेंट्स कर लेते हैं। तो अगर हमने अपना एडमिशन खुद से किया है या हमने अपना एडमिशन साइबर कैफे से करवाया है, तो अगर हमने अपना एडमिशन 15 मार्च 2021 के बाद करवाया है, ये जो 15 मार्च 2021 निकल गई है इसके बाद करवाया है, तो हम 2021 और 2022 के सेशन में हैं, अप्रैल मंथ में हमारा एग्जाम होने वाला है फाइनल, राइट। तो अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 2 की, आपकी एग्जाम फीस कब सबमिट होगी। देखिए आपकी जो एग्जाम फीस है वो सबमिट होगी जनवरी मंथ में, जनवरी 2022 में, जनवरी 2022 में आपकी एग्जाम फीस सबमिट होगी। आप ध्यान रखिएगा ये डेट आप अपने माइंड में सेट कर लीजिए। मैंने इस वीडियो को डिजाइन ही ऐसे किया है कि जैसे जैसे आप इस पॉइंट्स को, इन डेट्स को समझ लेंगे तो आपको पूरे साल टेंशन नहीं होगी कि कब आपका TMA मिस हो जाए, कब आपकी एग्जाम फीस कब जमा होनी थी वो डेट मिस हो जाए, ऐसा कोई भी घटना आपके साथ नहीं घटेगी। और एक काम और कर सकते हैं, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अभी, नहीं तो आप वीडियो देखने के बाद भूल जाएंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन बटन को प्रेस कर लीजिए, पूरे साल तक मैं आपके साथ रहूंगा अगर मैं इस धरती पे जिंदा रहा, सारी इन्फॉर्मेशन आपके मोबाइल फोन पे आपको टाइम टू टाइम मिलती रहेगी, बिल्कुल ये मेरा प्रॉमिस है, राइट। अब हम बात करते हैं एग्जाम फीस आपने जमा कर दी, जनवरी में आपकी जमा होगी, ये जमा हो गई जी आपकी। अब आपको क्या करना है, अब आपको बात करनी है TMA की, यानी कि TMA जिसको हम असाइनमेंट भी बोलते हैं, ट्यूटर मार्क्स असाइनमेंट इसकी फुल फॉर्म होती है। TMA के लिए आपको क्या करना है, आपको बुक मिलती है, बुक्स कहाँ से मिलेगी, स्टडी मटेरियल कहाँ से मिलेगा आपको, ये मिलेगा आपको आपके स्टडी सेंटर पे। अब आप पूछोगे ये स्टडी सेंटर क्या होता है, बता देता हूँ, आपका जो आई कार्ड मिला है ना, उस आई कार्ड के नीचे आप देखेंगे ब्लू कलर की पट्टी होती है, उस ब्लू कलर की पट्टी पे आप देखेंगे वहां पर आपके स्टडी सेंटर का नाम होगा, बस आप वहां पे जाइए अपनी बुक्स रिसीव कर लीजिए, स्टडी मटेरियल, तो स्टडी मटेरियल का जो कट्टा मिलेगा एक बोरा सा होता है उसमें सारी बुक्स होती है, जब वो आपको मिलेगा उसी में ही आपको TMA की बुक्स भी मिल जाएंगी, येलो कलर में होती है, स्काई ब्लू कलर में होती है, उसी में आपको TMA की बुक मिलेगी, बस वो TMA की बुक आपको मिल जाती है तो अच्छी बात है, लेकिन इनके साथ स्टडी सेंटर नहीं जा सकते, राइट। हो सकता है आप में से कई लोग इस वीडियो को देख रहे हो जिनको, जिनका स्टडी सेंटर उनके घर से, उनके एरिया से बहुत दूर हो, वो नहीं जा सकते, तो वहाँ एक और ऑप्शन है, आप डाउनलोड कर लीजिए। अच्छा, आप डाउनलोड कहाँ से करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, मैं सारी जानकारी आपको वीडियो में देता रहूंगा और आप मुझे याद कर लीजिएगा, मेरा नाम है मिलाप गुप्ता, मैं बता दूंगा कहाँ से डाउनलोड करना है, बस आप मुझे कॉमेंट बॉक्स में बता देना सर मुझे प्रॉब्लम होती है, राइट। पूरे साल का वादा है, डाउनलोड कर लेंगे, कैसे करेंगे बता दूंगा आपको। 6 questions होते हैं, देखिए पर सब्जेक्ट 6 questions आपको उनके आंसर्स करने होते हैं। अब आप कहेंगे सर इनके क्वेश्चन तो मैं, चलो हमें मिल जाएंगे, लेकिन हम आंसर कहाँ से करेंगे, तो मिलाप गुप्ता को याद कर लेना, आंसर्स भी सारे जो TMA का नाम आप बता दोगे कमेंट बॉक्स में, पहला TMA लिख देना कि ये सब्जेक्ट का सर TMA चाहिए मुझे सॉल्व्ड, आपको वही मिल जाएगा, हमारे टीचर्स बैठे हुए हैं, जो पहले लिखेगा जिस
सब्जेक्ट के बारे में लिखेगा, मैं उसी का टीएमए सबसे पहले आप लोगों को बनाकर दे दूंगा, राइट। तो 6 सब्जेक्ट्स होते हैं, उनके आंसर्स आपको देने हैं। फाइल बढ़िया सी मेंटेन करनी है, फाइल कैसे मेंटेन होती है, कैसी फाइल बनानी है, मिलाप गुप्ता को याद कर लेना, बता देंगे आपको, ठीक है। फिर स्टडी सेंटर में फाइल बनाकर आपको जमा कर देनी है। अब आपने फाइल बना ली, 6 क्वेश्चन आंसर कर दिया, बढ़िया से सजा लिया, नाम वाम लिखा, फ्रंट पेज में कुछ अलग चीजें लिखनी होती है, ये आप मैं आपको बता दूंगा। उसके बाद आप उसको फाइल को रेडी करेंगे और आपने स्टडी सेंटर पे जमा कर दी। अब देखिए, स्टडी सेंटर पे तो जमा कर दी, लेकिन कब करी, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि स्टडी सेंटर पे जमा कब करोगे, मैं बता देता हूँ। देखिए, लास्ट डेट होती है टीएमए को जमा करने की 31 जनवरी 2022, यानी कि 31 जनवरी तो लास्ट डेट है टीएमए जमा करने की। हाथ जोड़ के गुजारिश है, ये पिछले साल के बच्चे, अप्रैल के जो बच्चे हैं 2021 के, इनसे आप कुछ सबक ले लीजिए कि इनमें से कई बच्चे ऐसे हैं जो मेरे चैनल पे मुझे कमेंट करके लिखते हैं कि हमने अपना टीएमए सबमिट नहीं करा, हम क्या करें, तो हमारी कुछ मदद करें। तो ऐसा कुछ होने वाला नहीं है आने वाले टाइम में, तो आप उनसे कुछ सीखिए और आप अपने टीएमए बिल्कुल टाइम से जमा कर दीजिएगा, 31 जनवरी 2022 को तक, लास्ट डेट तक आप अपने टीएमए उससे पहले जमा करके रखिएगा, राइट। अब देखिए, ये टीएमए आपने जमा करे, टीएमए जमा करने के बाद यानी कि 31 जनवरी के बाद 15 दिन के बाद आपके स्टूडेंट पोर्टल पे आपको अपने ट्यूटर मार्क्स असाइनमेंट क्वेश्चन पेपर के आंसर्स के साथ वो चेक करते हैं और उसके बाद आपको मार्क्स मिल जाएंगे। यानी कि 31 जनवरी 2022 तक आपने अपने टीएमए सबमिट करे और मार्क्स आपके 15 दिन तक आपके स्टूडेंट पोर्टल पे शो होने लग जाते हैं, राइट। टीएमए का काम खत्म हो गया। अब बात करते हैं प्रैक्टिकल्स की। चौथे नंबर पे आपके आते हैं प्रैक्टिकल्स। अब ये प्रैक्टिकल्स कब होते हैं, देखिए इसके बारे में खुल के तो मैं नहीं बता पा रहा हूँ, क्यों, क्योंकि कुछ सब्जेक्ट्स के प्रैक्टिकल्स होते हैं, कुछ के नहीं होते, ये आपको आपकी टीएमए बुक पे पता चल जाएगा या स्टूडेंट पोर्टल पे आप चेक कर लीजिएगा। तो जिनके प्रैक्टिकल्स होते हैं उनके प्रैक्टिकल्स आपको देने हैं आपकी एग्जाम से थोड़ा सा पहले, यानी कि 7 या 8 दिन के गैप के अंदर आपके एग्जाम्स के साथ ही साथ आपके प्रैक्टिकल्स भी आपके स्टडी सेंटर पे ले लिए जाते हैं, वो हो जाते हैं, राइट। तो प्रैक्टिकल्स होने के बाद अब आती है फाइनल डेट, यानी कि अब आ गया युद्ध वाला दिन, यानी कि फाइनल एग्जाम का डेट, ये होंगे जी आपके अप्रैल 2022 के अंदर, और इसकी डेट शीट आपकी 16 दिन पहले आपके स्टूडेंट पोर्टल पे आ जाती है। आप NIOS के पोर्टल पे देख लीजिएगा, आपको डेट शीट दिखाई दे जाएगी जो 16 दिन पहले आपके स्टूडेंट पोर्टल पे आ जाएगी, या फिर NIOS की वेबसाइट पे आप चेक कीजिएगा, वहां पे आ जाएगी। अगर आप इतनी सारी डेट्स 15 मार्च के एडमिशन आपने लिए हैं, राइट, एग्जाम फीस जनवरी में जमा होगी, आपको याद रहे ना रहे, बुक कैसे डाउनलोड करनी है, 6 क्वेश्चन के आंसर देने, आंसर मिल नहीं रहे हैं, स्टडी सेंटर का पता नहीं है, 15 दिन में स्टूडेंट पोर्टल पे मार्क्स आते हैं कैसे देखते हैं पता नहीं है, 31 जनवरी लास्ट डेट होती है, ये सब चीजें अगर आप याद नहीं कर सकते तो आपसे गुजारिश है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन बटन को जरूर प्रेस कर लेना, ताकि जो भी इंफॉर्मेशन मेरी वीडियो के माध्यम से इम्पोर्टेंट आप तक मैं पहुंचाना चाहूं तो वो बिना अटके आपके मोबाइल फोन पे पहुंच जाए। आपको करना सिर्फ इतना है कि जब भी पूरे दिन में आपको फ्री टाइम मिले, बस आपने देखा नोटिफिकेशन आया, आप उसको चेक कीजिए और पूरा साल आप आराम से रह सकते हैं, राइट। किसी तरह की कोई टेंशन आपको नहीं होगी, बस एक काम और करना, जो एग्जाम फीस जमा करने का जो टाइम मैंने बताया कि जनवरी में जमा होगी, एग्जाम फीस को आप जनवरी मंथ से पहले ही अपने पास अरेंज करके रख लेना, क्योंकि बहुत से बच्चे टाइम पर एग्जाम फीस जमा नहीं कर पाते और उसकी वजह से फिर उन्हें लेट फीस पे करनी पड़ती है, जो कि बहुत ज्यादा हो जाती है, राइट। तो आप बिल्कुल टाइम से करिएगा, तो टाइम से फीस जमा कर देंगे तो बेटर है, पैसे भी बचेंगे और फिर टेंशन से भी आप मुक्त रहेंगे। तो ये था पूरा प्रोसेस कि अगर आप NIOS के 10th और 12th के स्टूडेंट हैं और आपका सेशन जो है 2021 और 2022 है, तो आपको ये सारी सावधानियां बरतनी है। बस आपको सिर्फ एक ही काम करना है, मैं फिर कह रहा हूँ आपको, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन बटन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे, डेट्स में टाइम टू टाइम आपको वीडियो बना बनाकर आपको बताता रहूंगा, ताकि आपको ज्यादा नुकसान ना झेलना पड़े, आप बिल्कुल आराम से अपना 10th या 12th इस साल क्लियर कर जाएंगे, पिछले बच्चों से सबक लीजिए, राइट। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा दोस्तों लाइक जरूर कर देना, मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, सुरक्षित रहिए, थैंक यू वेरी मच, हैव अ गुड डे।